पुराना डैम फट गया है। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों, भागो। सुप्रभात मान्यवर, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा आई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लास्ट ईयर 2023 में भी यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई थी, लेकिन उसमें सिर्फ माल का नुकसान ज़्यादा हुआ था। हमारे जो रोड्स हैं वो बह गए थे, हर जगह पे लैंडस्लाइड हुए थे, कई लोगों के जो घर हैं वो ढह गए थे और बहुत सारे जो लोग हैं वो बेघर भी हुए थे। लेकिन इस बार की जो आपदा है वो उससे भी ज़्यादा है। इस बार जो नुकसान हुआ है वो जान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे लगभग एक के बाद एक जो है बादल फटे हैं, जिसके कारण कुछ गांव बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, नामोनिशान तक उन गांव का नहीं है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है डिस्ट्रिक्ट मंडी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट शिमला में। डिस्ट्रिक्ट शिमला में लगभग मेरे घर से आप मान के चलिए लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर एक गाँव है समेज, जो कि रामपुर के पास में है। वो गांव पूरी तरह से ख़त्म है। गांव की अगर आप पहले की तस्वीर देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत गांव था, बहुत ही प्यारा गांव था, लेकिन आज वहां पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और इस इकलौते गांव से लगभग 36 लोग जो है गायब हैं। अभी तक जो पुलिस प्रशासन है वो उनको ढूंढ नहीं पाया है। हालांकि यहाँ पे ITBP, NDRF और दूसरी फोर्सेस की जो टीम्स हैं, इवन हिमाचल पुलिस है, वो जुटी हुई है ढूंढने में, लेकिन अभी तक इन लोगों का कोई अता पता नहीं लग पाया है। जाहिर सी बात है ये जो लोग हैं ये अब शायद से इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी लोगों को उम्मीदें हैं कि शायद से उनके जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं मिल जाएं। आपदा आई है वो उस समय आई जब रात में लोग सो रहे थे, लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच में ये बैक टू बैक जो बादल फटे हैं। शायद से आप सोचिए एक सोया हुआ आदमी, उसको मौका ही नहीं मिला होगा भागने का, जान बचाने का, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसमें बह गए। मेरा जो बचपन है हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में बीता है। पहले जो बादल फटते थे बहुत इक्का दुक्का, कहीं हम कभी सुनते थे 5-6 साल या 10 साल में एक बार, और इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। अब जो है हर साल ये कहानी हो गई है, बादल फट रहे हैं, और इवन अभी भी अलर्ट है कि लगभग आप मान के चलिए 15 अगस्त से पहले पहले के लिए जो अलर्ट है हिमाचल में वो ये है कि यहाँ पे कई जगह पे बादल फटने की संभावनाएं हैं। जो लोग हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि आप जो है अपने घरों में सुरक्षित रहिए, ये ठीक समय नहीं है हिमाचल आने का।
क्योंकि हिमाचल में कुछ रोड हैं वो दोबारा से फिर से बह गए हैं, जैसे कि रायसन के पास में जो कि मनाली से पहले और कुल्लू के बीच में है, वहाँ पे पूरा जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और कई जो लिंक रोड्स हैं वो भी बह गए हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो है यहाँ पे बादल फटने का। जब भी बादल फटता है तो आप समझ लीजिए कि जहाँ पे वो फटेगा, जहाँ पे वो पानी गिरेगा, आप ये मान के चलिए बादल फटना है क्या, इसको साधारण भाषा में अगर हम लोग समझे, एक नदी जितना पानी जो एक जगह पे आके गिरता है बादलों से, तो जहाँ जहाँ भी वो पानी जाता है तो उस जगह पे वो पूरा, चाहे वो घर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो किसी तरह की कोई दूसरी बिल्डिंग हो, वो उनको सबको ख़त्म करते हुए जाता है। कुल्लू में एक बड़ी फेमस जगह है मलाना, आप लोग जानते होंगे, और वहाँ पे एक डैम था। डैम जो हिमाचल में बनते हैं ये बनते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, पानी को रोका जाता है और टनल के थ्रू फिर दूसरी जगह पर इसका आउटलेट होता है, जो पावर हाउस में टरबाइन को चलाने के लिए पानी के प्रेशर को यूज़ किया जाता है। तो जो डैम बना हुआ था वो पूरी तरह से टूट गया और इस डैम के टूटने से सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। भाइयों, मलाना डैम फट गया है, नदी नालों से दूर रहे, मलाना डैम फट गया है। ओ भगवान, ए चलो जाओ, चलो ए जाओ, चलो जाओ, चलो। वो आरोप प्रताप भाई, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, आप देख सकते हो। ए जाओ, चलो जाओ, ए तो पूरा दम साफ हो रहा। ए सर, भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों, भागो। और कुल्लू में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू में एक जगह है बागी पुल, वहाँ पे तो एक जो बस स्टैंड है पूरा का पूरा बस स्टैंड वो भी गायब है और दूसरी जो कुछ सरकारी बिल्डिंगें थी वो भी गायब हैं। जहाँ पे मैं हूँ अभी, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि हमारे जो बगीचे हैं, दरअसल उसी दिन जो है यहाँ पे तूफान आया था बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिसमें से अभी क्योंकि हमारी सेब की फसल आई है तो सेब के जो पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ जो है तूफान की वजह से गिर गए हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, मेरा भी नुकसान हुआ है और जो फल हैं वो भी गिरे हैं हवा की चलने की वजह से, जिस वजह से जो यहाँ के बागवान है, आई हुई फसल जो है बर्बाद हो गई। तो अभी आपको दिखाता हूँ, एक मेरा जो पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ था जिसमें अच्छी खासी फसल थी, वो भी गिर गया। ये देखिए, कितना बड़ा पेड़ था ये और इसमें अच्छी खासी फसल लगी हुई थी और ये पेड़ ख़त्म हो गया है। अब ये पेड़ किसी काम का नहीं है, अब इस बार हम इससे फसल उतारेंगे और इसकी जगह फिर कोई दूसरा जो पेड़ है वो प्लांट करना पड़ेगा। और साथ ही में जो हवा चलने की वजह से जो फल गिरे हैं, इसका भी बहुत नुकसान हुआ है हमारे यहाँ पे।
ये देखिए कितना बड़ा पेड़ था। अरे पेड़ जड़ से उखड़ गया पूरी तरह से। आप सोचिए कितनी हवा चली होगी कि इतना बड़ा जो पेड़ है वो गिरा दिया। और इसमें देखिए अच्छे खासे सेब लगे हुए थे। और ये नुकसान इस पेड़ को तो हुआ ही हुआ है। इसके बीच में चेरी के कुछ पेड़ थे जिस पे गिरा है। देखिए हमारा चेरी का एक पेड़ टूट गया। देखिए ये चेरी का पेड़ था, ये तोड़ दिया इसने। और एक वहाँ नीचे एक सेब का पेड़ था, वो भी टूटा हुआ है, उसका भी नुकसान हुआ है। दरअसल ये बादल इतने क्यों फट रहे हैं? यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भगवान शंकर हैं वो नाराज़ हैं इस समय, और यहाँ के जो लोकल देवी देवता हैं वो भी नाराज़ हैं इस समय लोगों से। आप इसको चाहे किस भी नज़र से देखें, अभी लगभग 20 दिन पहले कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुए थे श्रीखंड यात्रा के। बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से हिमाचल में श्रीखंड यात्रा के लिए आते हैं, और काफ़ी दूर है श्रीखंड यात्रा। तो ये जो बादल फटा है श्रीखंड के बिल्कुल ठीक ऊपर फटा हुआ है, और क्योंकि वो चोटी थी और जो पानी है वो तीन अलग अलग जगहों पे गया। तीनों जगह पे पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि अलग अलग जगहों पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी लगभग 20 दिन पहले कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुए थे जिसमें ये दिखाया गया था कि जो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे, कुछ पिकनिक मनाने जाते हैं, कुछ अपने मौज मस्ती के लिए जाते हैं, तो अपने साथ में बहुत सारी गंदगी लेके जाते हैं और वहीं छोड़ के आते हैं। आप इन फ़ोटोज़ को देखिएगा, आपको खुद ही शर्म आ जाएगी कि कहीं ना कहीं प्रकृति सच में दंडित तो कर रही है इंसान को। हालांकि वो किस नज़र से लोग देखते हैं वो अपना अपना नज़रिया है, लेकिन नेचर के साथ में हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक बात और भी है कि हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पे विनाश बहुत ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से जो लोग हैं वो आज की डेट में सफ़र कर रहे हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने थोड़े से लालच के लिए नदियों के किनारे घर बना के या प्रॉपर्टीज़ बना के, या आज आपने देखा होगा होटल्स वगैरह बना के नदियों का रास्ता रोक दिया है। नदियों का जो रास्ता है वो आप रोक नहीं सकते हैं, आप जानते हैं, इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। अगर हम नदियों का रास्ता रोकेंगे तो पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा, तो जिस वजह से बाद में विनाश होता है और हम लोग जो है कुदरत पे डालते हैं। दरअसल किया धारा मुझे लगता है ये इंसानों का ही है। अगर हम लोग सच में आज भी नहीं सुधरे तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। हिमाचल में दूसरी साल कंटिन्यूस ये आपदा आई है, और मुझे लगता है कि लोगों को एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। हम लोग इतना बढ़िया नेचर आप देखिएगा, इतना खूबसूरत यहाँ पे जगह है, और हम लोगों को इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगर हम लोग आज भी अपने पहाड़ों को बचाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमारा साथ ज़रूर दे, और हमें अवॉइड करना चाहिए कि जैसे खास करके पहाड़ों में इस तरह की जो गंदगी फैलाते हैं लोग, उसको चाहे वो देवी प्रकोप बोलो, चाहे एक नेचर की नाराज़गी बोलें, तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को देखने की सख्त ज़रूरत है। वो देखिएगा, दरअसल आपको एक आवाज़ आ रही होगी किसी मशीन की पत्थर तोड़ते वो। यहाँ पे ये जो रोड गया है यहाँ पे एक मशीन है जो यहाँ पे माइनिंग कर रही है। ये आपको आवाज़ आ भी रही होगी शायद से थोड़ी। अभी ये माइनिंग यहाँ पे चल रही है, और ये आप सोचिएगा कितना बड़ा पहाड़ है। अगर यहाँ पे इसको काटेंगे, काटते रहेंगे तो एक टाइम आएगा ये पहाड़ ऊपर से धस भी सकता है।